नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, स्वच्छा सुख। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि हेमंत नाम का जो बच्चा है वो काफी धनी है और वह कार से स्कूल जाता है। उसके नौकर और उसके पास ड्राइवर है, लेकिन क्या नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। क्यों स्वास्थ्य नहीं है? क्योंकि वो अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करता, उसका सारा काम कौन करते हैं? नौकर करते हैं। ठीक है, उसका बस्ता उसका नौकर उठाता है, उसके कार उसको ड्राइवर चलाता है, और वो क्या करता है, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरी ओर गोविंद नाम का जो बच्चा है वो खुद ही अपना काम करता है, खुद अपने कंधे पर अपना बस्ता लटका कर कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, अब इस लेसन में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो स्वस्थ है, ठीक है, वही सच्चा सुखी है। ठीक है, जो बच्चे के पास स्वास्थ्य है मतलब अच्छा शरीर है, जिसके पास कोई निरोगी काया है, जिसके कोई बीमारी नहीं है, वही क्या है, सत्य रूप में सुखी है, क्योंकि उसके पास क्या है, स्वास्थ्य रूपी धन है। ठीक है, और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको भूख भी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि वह क्या करता है, परिश्रम करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको क्या होता है, खाना भी अच्छे से भाता है। ठीक है, अच्छा वह उसको क्या होता है, अगर आप मेहनत करके आते हो तो आप क्या आराम से अच्छे से खाना खा लेते हो, लेकिन अगर आप कोई मेहनत नहीं करते हो तो आपको क्या है, खाना भी ढंग से नहीं भाता है, क्योंकि आप पूरे दिन अगर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई तो आपको क्या होगा, अतिरिक्त ऊर्जा की आपके शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो भोजन है वो भी सही ढंग से नहीं पचता और वो क्या होता है, बीमारियों का घर बन जाता है। दूसरों की जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मेहनत करता है, अपनी सहायता करता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, वो अपना काम क्या कर सकता है, खुद ही कर लेता है, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के काम भी क्या करता है, हेल्प करता है, और सदा क्या रहता है, खुश रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, प्रसन्न चित रहता है, और उसका चेहरा कैसा रहता है, खिला खिला रहता है, गुलाब के फूल जैसे, ऐसे बोलते हैं ना, जो वर्क करता है उसके चेहरा कैसा रहता है, गुलाब के फूल जैसा खिला रहता है। ठीक है, और जो गोविंद है वो निर्धन होकर भी धनी क्यों है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य रूपी धन है। क्या है उसके पास, स्वास्थ्य रूपी धन है। जिसके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं, उसे भूख नहीं लगती, उसे नींद भी नहीं आती है। ठीक है, जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है उसके पास क्या है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जिसके हमेशा बीमार रहता है, उस व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती, ना ही उसको नींद आती है। आपको पता है ना, आप बीमार हो जाते हो तो फिर रात को भी आपको नींद नहीं आती। ठीक है, थोड़ा सा परिश्रम करते ही उसका माथा दुखने लगता है। ठीक है, जो व्यक्ति आलसी होता है, ठीक है, उसको मतलब जो बीमार रहता है, ठीक है, जो आलस करता है उसको क्या है, थोड़ा सा भी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम मतलब थोड़ी सी भी कोई मेहनत का काम करते हैं उसको क्या आता है, उसका सिर दर्द करने लग जाता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा सा काम करते, मम्मा हमसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है, आप ये कर लो। कुछ बच्चे तो इतने आलसी होते हैं कि उनका होमवर्क भी उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनको क्या आता है, हर काम में आलस आता है। ठीक है, प्रसन्नता उनके पास फटक नहीं पाती। ठीक है, प्रसन्नता मतलब खुशी, और खुशी उन बच्चों के पास फटक नहीं पाती। किन बच्चों के पास नहीं फटक पाती है, जो स्वस्थ नहीं होते, ठीक है, और जो स्वस्थ नहीं होते हैं उनकी क्या होता है, वो परिश्रम नहीं कर सकते, और जब परिश्रम नहीं होता है तो क्या वो खुश भी नहीं रहते, क्योंकि जो प्रसन्न रहता है, ठीक है, जो अपना काम खुद करता है वो क्या होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। वह बच्चा क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होना मतलब हर चीज पर अपन क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज के ऊपर दूसरे को दोष देते हैं, ठीक है ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये काम नहीं होता, तो वो बच्चा क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका उत्साह मर जाता है। उत्साह मर जाना मतलब उसको किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे घर का काम हो, उसको कुछ भी काम बताते हैं तो वो उसको क्या होता है, बेमन हो जाता है, उसका मन नहीं करता है कि वो ये काम करे। उसे जीवन दुभर लगने लगता है। जीवन दुभर लगना मतलब मुश्किल लगने लगता है, मतलब उसको किसी भी काम में ना इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ना वो खुश रहता है, और वो क्या करता है, दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ करता है, दूसरों के ऊपर क्या करता है कि अपना काम थोपने लगता है। ठीक है, और उसको क्या लगता है, अपनी जीवन दूभर मतलब बहुत मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम नहीं करता है, और परिश्रम नहीं करता है तो वो बीमार रहने लगता है। तो बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही क्या होता है, अपना शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ ही क्या है, स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। वह ना अपनी सहायता कर सकता है, ना ही दूसरों की। ठीक है, जो व्यक्ति बीमार होता है तो वो खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता, तो वो दूसरों की सहायता कैसे करेगा। ठीक है, जो आलस करता है तो वो क्या करता है, आलस में जब आलसी होते हैं तो क्या करता है, अपने खुद का काम नहीं होता उन लोगों से,
ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि नहीं हमसे होमवर्क नहीं हो रहा है मम्मा आप कर दो, तो वो दूसरों के काम में भी क्या करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ है, ठीक है। कैसा व्यक्ति धरती पर बोझ है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, जो खुद अपनी सहायता नहीं करता है। सच तो यह है कि वह धनी होते हुए भी निर्धन है। कैसा है वह व्यक्ति, धनी होते हुए भी निर्धन है, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य क्या है, इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है क्या है कि पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया मतलब जिसके अंदर कोई रोग ना हो, ठीक है। अगर आप निरोगी है, आपका कोई रोग नहीं है, आप खुश है, तो आप क्या कर सकते हैं, दुगनी एनर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या बीमार है, ठीक है, आलस आ रहा है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्या करना चाहिए, जितना हो सके परिश्रम करना और दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यहां तक समझ में आया बच्चों, सच्चा सुख किसे कहा गया है, सच्चा धन कौन सा है, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। क्यों है, क्योंकि इसी से क्या है, मनुष्य आगे बढ़ सकता है। जो स्वस्थ नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति क्या है, दुगने उत्साह के साथ काम करता है, प्रसन्न रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस है। कौन है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु, आलस है। अभी बताया था ऊपर, आलस क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है, अपना काम ना करना, परिश्रम से घबराना। जो बच्चे परिश्रम से घबराते हैं वो क्या है, आलसी कहलाते हैं, ठीक है। और आलस क्या है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु, ठीक है। अगर आप आलस करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी क्या है, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। आलसी व्यक्ति हमेशा क्या करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। आलस का और परिश्रम का कोई मेल नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो मेहनत करना पसंद नहीं करता, ठीक है, उसको क्या करता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो आलसी व्यक्ति का परिश्रम से कोई मेल नहीं है, मतलब आलसी व्यक्ति किससे संबंध नहीं रखता है, परिश्रम से कोई मेल नहीं रखता है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह सदा दूसरों के मुंह और ताकता रहता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, वह सदा दूसरों का मुंह की ओर ताकता रहता है, ठीक है। उसे क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे खुद नहाते हैं, खुद तैयार होते हैं, खुद अपना बैग जमाते हैं, खुद स्कूल आते हैं, ठीक है, तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की, निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आलस करते हैं, ठीक है। 8 बजे का स्कूल होता है तो कितने बजे उठेंगे, 7:30 बजे उठेंगे, ठीक है। उनको क्या है, उठने में आलस आता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उनका हर काम क्या, कभी उनकी बुक्स समय पे नहीं मिलती है, ठीक है। उनका बैग मम्मा जमा के देगी, बैग अगर जमा के देते हैं, नहाना धोना ये सब काम जब वो करके आते हैं, ठीक है, तो कभी उनको उनकी यूनिफॉर्म टाइम पे नहीं मिलती है। कुछ बच्चे होते हैं ना आपके स्कूल में, हमेशा लेट लतीफ होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आज तो मेरी ड्रेस नहीं मिल रही थी, आज तो मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे। वो क्यों, क्योंकि वो हर चीज के लिए किस पे निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि उनका काम क्या करेंगे, दूसरे कोई व्यक्ति उनको पूरा करके देगा, ठीक है। और ऐसे में जब जल्दबाजी होती है तो क्या करते हैं, आधा काम भूल जाते हैं, कभी लंच बॉक्स भूल जाते हैं, कभी वाटर बॉटल भूल जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे, होंगे ना, जो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या सुधारना है, अपने में आलस की जो आदत है, आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु है। स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो किसको सुधारना होगा, आलस की आदत को हमें सुधारना होगा, ठीक है। जो अपन बोलते हैं ना, दुश्मन होता है तो उसको अपन दोस्ती नहीं करते, ठीक है। बुरे व्यक्तियों से दोस्ती करते हैं बच्चे, नहीं करते। तो आलस भी क्या है, शत्रु है। किसका, स्वास्थ्य का। अच्छे शरीर का कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, आलस, ठीक है। आलसी व्यक्ति परिश्रम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें किसको भगाना है, सबसे पहले आलस को अपने से दूर भगाना होगा। क्यों भगाना होगा, अगर आलस हमारे पास नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करने से क्या है, हम स्वयं अपना काम खुद करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आए यहां तक। अब जो बच्चे आलस करते हैं वो क्या करेंगे, आलस का त्याग करेंगे। क्या करेंगे, आलस का त्याग करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि आलसी व्यक्ति क्या करता है, समय दूसरों की और सदा मुंह ताकता रहता है। क्यों ताकता रहता है, क्योंकि उसको कोई भी काम नहीं आता है, उसका कोई काम समय पर नहीं होता है।
ऐसा आदमी दुख ना होगा तो और क्या होगा, ऐसा आदमी दुखी ना होगा तो और क्या होगा। ऐसे आदमी को क्या होता है, हमेशा दुख उठाना पड़ता है। क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई भी काम समय पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे वो ना आलसी व्यक्ति, अगर स्कूली बच्चे देर से आएगा तो वो क्या होगा, उसको यहाँ डांट ही खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी, उसके आलस के कारण। ठीक है, फिर वो चिड़चिड़ाहट में किसके ऊपर चिल्लाता है कि मम्मा आपने हमारा लंच बॉक्स नहीं पैक कर दिया, आपने हमारा स्कूल बैग नहीं पैक करके दिया। क्यों, गलती किसकी थी, आपकी थी, आप टाइम से नहीं उठे। ठीक है, अगर आप समय पे उठते हो, ठीक है, 8 बजे का स्कूल है, आप 6 बजे उठते हो या 7 बजे उठते हो, तो सबसे पहले आपका बैग कंप्लीट करना है। ठीक है, जो आपके वर्क वो पूरा करना है। अभी आपके स्कूल्स नहीं चल रहे तो आप बोलोगे जल्दी आके उठ के क्या करना है। ठीक है, बहुत से काम है जल्दी उठ के भी। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज किसके लिए होती है, स्वस्थ शरीर के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप घर के छोटे छोटे काम में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज नीचे गिरी हुई तो उसको एटलीस्ट ऊपर रख सकते हो, कर सकते हो ना, तो उससे क्या होता है, अपना शरीर जो है एक प्रकार का व्यायाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन पैराग्राफ पे। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, आगे जो शब्दार्थ है वो आपको होमवर्क में करना है, और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दार्थ है आपके, ये आपको शब्दार्थ को आपको किसमें करना है, होमवर्क में। स्वास्थ्य, सेहत, स्वस्थ, तंदुरुस्त, प्रसन्नचित, खुश मन वाला, सहायता, मदद या हेल्प, उत्साह, दिन भर काम करने का जोश, पौष्टिक, पोष्ट भोजन मजबूत करने वाला। ठीक है, नित्य प्रति हमेशा, ये आपको किसमें करना है, नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, एसडब्ल्यू अगर मैंने लिखा है तो आप किसके अंदर करोगे, नोटबुक के अंदर। और बच्चों आपको अपनी नोटबुक चेक करवाने भी लेके आनी है। ठीक है, हो सकता है आपकी मार्किंग इस बार नोटबुक के आधार पे हो। ठीक है, नोटबुक अच्छी कवर्ड करके लेके आनी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपन ने लेसन पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपन सेकंड चैप्टर, अपन सेकंड पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।